हेलो फ्रेंड, वेलकम माय चैनल। आज हम कुछ देश और उनकी राजधानी तथा उनके यहाँ चलने वाली करेंसी के बारे में जानकारी विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला हो गया बांग्लादेश, इसकी राजधानी ढाका, यहाँ चलता है टका। अगला हो गया नेपाल, यहाँ की राजधानी काठमांडू, यहाँ नेपाली इंडियन रुपया और नेपाली रुपया चलता है। अगला हो गया चीन, यहाँ की राजधानी बीजिंग है, यहाँ युआन चलता है। ठीक, उसके बाद हो गया जापान, यहाँ की राजधानी टोक्यो है, यहाँ एन चलता है। क्या कहते हैं यहाँ की करेंसी को? एन। ठीक, फिर अगला हो गया दक्षिण कोरिया, यहाँ की राजधानी हो गई सियोल, और यहाँ ये यहाँ वॉन वॉन यहाँ की करेंसी को कहते हैं। फिर अगला हो गया रूस, इसकी राजधानी मास्को है और ये रूबल इसकी करेंसी को कहते हैं। फिर अगला हो गया इटली, आपको इटली के बारे में पता होगा, अपनी सोनिया गांधी जो है ना वो इटली की ही है। तो इटली की राजधानी रोम है और यहाँ यूरो चलता है। फिर अगला हो गया पोलैंड, ये वर्षा है, ये जुलेटी है, यहाँ की करेंसी को जुलोटी कहते हैं। फिर अगला हो गया नार्वे, यहाँ की राजधानी ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ की करेंसी को वॉन कहते हैं। फिर अगला हो गया कनाडा, यहाँ की राजधानी ओटावा है और यहाँ डॉलर चलता है, कनाडा डॉलर। ठीक है, फिर अगला हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की राजधानी कैनबरा है, यहाँ भी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर चलते हैं। फिर अगला हो गया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, यहाँ अमेरिकन डॉलर चलता है। फिर अगला हो गया ब्राज़ील, यहाँ की राजधानी ब्रासिल्स है और यहाँ कुआडो चलता है। सो प्लीज फ्रेंड्स, आज कुछ इतने, फिर अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। इसी प्रकार जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। थैंक यू।